एक स्टोरी सुनाते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति कहीं देशाटन पे निकले, कहीं तो अपना जा रहे थे। तो उनके एक मित्र थे, तो चलने को हुए तो मित्र बोले, कहाँ जा रहे हो भाई? बोला, हम तो जा रहे हैं ऐसे ऐसे देशाटन पे निकले हैं, कई सारे हमारे रिलेटिव्स लोग हैं, उन लोगों से मिलते हुए घूमते फिरते हुए आएंगे। बोला, अच्छा कितने दिन के लिए जा रहे हो? बोला, 1 सप्ताह, 10 दिन लगेगा। बोला, हम भी चलें क्या? हाँ चलो साथ में चलते हैं। तो उसने कहा कि चल तो ले, लेकिन मेरे पास में तो कपड़े नहीं है, कैसे चलेंगे? बोले, कोई बात नहीं, तुम मेरे कपड़े पहन ले, कपड़े तो मेरे पास में ही पर्याप्त। अच्छा ठीक है, चल दिया उनके साथ में। अब वो जहाँ जिसके घर में रुके थे, तो उन लोगों ने, वो तो वो जानते हैं रिश्तेदार, बोले आपके साथ में ये कौन है? बोले, ये हमारे बड़े घनिष्ठ, बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बस ये आ रहे थे हमारे साथ में, तो ये तो इनके पास में तो कपड़े ही नहीं थे, तो बोले हम कैसे चलेंगे? तो हमने कहा हमारे कपड़े पहन लेना। तो अभी इन्होंने जो कपड़े पहने हुए, ये हमारे ही कपड़े। तो फिर वहां से जब दूसरे निकले, तो रास्ते में उसने कहा, भाई तुम बड़ा बदतमीज आदमी हो यार, ऐसे क्यों बोले कि हमारे कपड़े पहने हुए इन्होंने? नहीं, ये बोलने की क्या जरूरत थी? बोला, अच्छा ठीक है भाई, तुम्हें बुरा लगा, आगे से नहीं बोलेंगे। दूसरे के घर में गए, वहां पर भी उन्होंने पूछा, भाई ये कौन? बोले, ये हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और ये जो कपड़े पहने, ये इनके अपने ही हैं, इनका अपना कपड़ा है। फिर वो वहां से बाहर निकले, बोले, यार तुम कपड़ा, भाई अपना कपड़ा पहने, ये कौन बोलता है? हाँ, उनके मन में अननेसेसरी डाउट हो रहा है कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अपने कपड़े पहने, भाई सब अपने ही कपड़े पहनते हैं, ये बोलने की क्या जरूरत थी? बोला, अच्छा ठीक है, तो अभी हम आगे जब होगा तो ऐसा नहीं बोलेंगे। तो फिर दूसरे जगह गए, तो उन्होंने बोला कि भाई ये हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, परिचय सब जगह पूछेंगे लोग, बड़े अच्छे मित्र हैं, और कपड़े उपड़े का कोई बात नहीं है ना, जो भी है सब अच्छे। बोले, यार तुम ये सब बोल करके आखिरी में ये कपड़े का कोई बात नहीं, ये बोलने का क्या जरूरत था तुमको? हाँ, तुम्हारा कपड़ा पहने में इसका मतलब तुम? बोला, अच्छा ठीक है जी, आगे से अभी कुछ नहीं बोलेंगे ऐसा, है ना। फिर चौथे घर में गए, तो वहां पर जब परिचय हुआ, बोले, ये हमारे मित्र हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं, और कपड़ा कुछ कुछ नहीं, कुछ 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 नहीं, कपड़ा मुंह से निकला, रुक गए वो, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? बिना जरूरत के नहीं बोलना चाहिए। बिना जरूरत का नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा कोई बताइए। बार बार एहसान दिखाना ठीक नहीं है, बार बार एहसान दिखाना कि हमारे कपड़े पहने, हमारे कपड़े हाँ, पहने, ये मेरे दिमाग में घूमता रहता है कि हमने आपके एहसान। अच्छा, और कोई बताइए। सेलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, सेलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, मदद करनी चाहिए बट किसी को बार बार रियलाइजेशन नहीं करवाना चाहिए। मदद करनी चाहिए बट बार बार रियलाइजेशन नहीं करवाना चाहिए। हाँ, नेकी कर दरिया में डाल करना चाहिए था। अच्छा, एक ही गलती बार बार दोहरानी नहीं चाहिए। जो चीजें करते हैं, हाँ, कपड़े को इसमें नहीं फंसाना चाहिए। जो चीज करते हैं वो दिमाग में फंसा होता है, हमने कपड़ा दिया, अब वो दिमाग में मेरे है, उसको हम बार बार एक्सप्रेस। यस, हाँ, क्या बोला विनय जी ने, मन अटक गया। मन में अगर कपड़ा भरा है तो कपड़ा निकलेगा, मन में अगर कचड़ा भरा है तो कचड़ा निकलेगा। समझ गया ना? और इस कचड़े को दूर करने के लिए, इस मन में जो कचड़ा भरा हुआ है ना, इसको दूर करने के लिए बहुत जरूरी है एडवांस कोर्स में बैठिए 3 दिन, है ना, तब ये देखिए निकल जाता है। आप देखो, ये सब लोग
एडवांस कोर्स करके आए ना, खटे कैसे खटाखट इनका जवाब निकल रहा है और एकदम सही डायरेक्शन मिल रहा है ना। क्या स्टोरी हमने आपको पहले सुनाई थी? नहीं ना, पहली बार सुनाई थी। बहुत सुंदर अवसर है। मन को ना साफ करना अत्यंत आवश्यक। अब देखो सब चीज पे रूल लागू होता है। आपका अपना शरीर का देखो, रोज स्नान ध्यान करके उसको साफ सफाई करते ना, ऐसे ही एडवांस कोर्स भी आवश्यक है। और अभी एडवांस कोर्स के लिए गुरुदेव ने एक और ऑप्शन ओपन कर दिया। क्या एक बिजी बी है ना, जो बहुत ज्यादा व्यस्त है, मधुमक्खी है ना, उसके लिए भी एडवांस कोर्स? कैसे? बोले फ्राइडे को उनको शाम को बुलाओ 5 बजे और रात में उनको 9 बजे छोड़ दो, है ना। वो घर जा करके आराम से सोएं, फिर दूसरे दिन सैटरडे को एक छुट्टी ले लें। सैटरडे पूरा दिन एडवांस कोर्स कराओ उनको, संडे पूरा दिन एडवांस कोर्स कराओ उनको, मंडे सुबह 6 बजे बुलाइए, 8 बजे 9 बजे तक उनको छोड़ दीजिए, वो मंडे जाकर के अपना ऑफिस कर लें। अब देखो ये तो कितना आसान है, एक ही छुट्टी लेकर के आप एडवांस कोर्स कर सकते हैं और यहीं इसी शहर में कर सकते हैं, अपने सेंटर पे कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, है ना। ये तो बहुत आसान है। कितने लोग करना चाहते हैं ये वाला एडवांस कोर्स? फ्राइडे शाम को ज्वाइन किया, सैटरडे एक दिन ऑफ लिया, संडे और फिर मंडे सुबह। कितने लोग करना चाहते हैं? करना चाहते हैं? ठीक है, तो ये बड़ा आसान है, फट से हो जाएगा। और पूरा इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि वो जो रेसिडेंशियल एडवांस कोर्स होता है उससे कोई चीज कम है इसमें, सब टाइम तो उतना ही मिल गया, ये सब कुछ है इसमें। तो आई वॉन्ट एवरी वन टू डू एडवांस कोर्स, ठीक है ना। जय गुरुदेव।